हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जयराम बोले, बजट सत्र के बीच में भी हो सकता है कैबिनेट विस्तार। हिमाचल कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम जयराम ने कहा कि बजट सत्र के बीच में भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जैसा केंद्र की ओर से निर्देश मिलेगा, बजट सत्र के दौरान या फिर इसके बाद भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सीएम ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। शांता का आग्रह, हिंदी को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करें पीएम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि जिस तरह से उन्होंने योग को देश सहित विश्व भर में पहचान दिलाई, उसी तरह वे हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करें, तभी हिंदी भाषा के पतन को रोका जा सकता है। अंग्रेजी भाषा बुरी नहीं है, लेकिन इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है कि वे राष्ट्र संघ की भाषाओं में, आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलाने की कोशिश करें। और यहाँ आज मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी एक अपील की है कि हिमाचल प्रदेश में भी अगर कसर है कहीं, तो हिंदी को पूरी तरह से कामकाज की भाषा बनाने का प्रयत्न करें। और एक अपील मैंने हिमाचल के भाई बहनों से भी की है और उन्हें कहा है कि अपने कारोबार, कामकाज, होटल जो भी हो, उसका प्रमुख नाम हिंदी में लिखें, अंग्रेजी भी लिखें। मैं हिमाचल के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम भारत के हैं। और ये नहीं लगना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजों की दास्तान की मनोवृत्ति कहीं पर बाकी। अंग्रेजी जरूर लिखें। इस साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हिमाचल में हुआ, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक गौरवशाली दिन है। आज के दिन हिमाचल के भाई बहन ये निर्णय करें कि हम धीरे धीरे अपने व्यवहार की भाषा, निमंत्रण पत्र शादी का हिंदी में होना चाहिए, हमारे काम, हमारे कारोबार के जो सारे बोर्ड है वो हिंदी में होने चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैंने एक अपील की है, मुख्यमंत्री जी से एक अपील की है और हिमाचल के भाई बहनों से भी अपील की है। नई खनन नीति के खिलाफ ऊना में क्रशर एसोसिएशन की हड़ताल। हिमाचल सरकार द्वारा खनन और खनन सामग्री की ढुलाई को लेकर जारी किए गए नियमों के खिलाफ ऊना में क्रशर और खुली लीज होल्डर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऊना क्रशर एसोसिएशन द्वारा हड़ताल के आह्वान पर जिला ऊना में 44 क्रशरों और खुले पट्टों पर आज पूर्ण रूप से कारोबार बंद रहा। छोटी मोटी जो है वो भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन जल्दी ही जो है वो माननीय हमारे जो उद्योग मंत्री है उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर जो है वो विचार करेंगे और इसको तर्कसंगत बनाएंगे। शराब नीति व कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस को कमर का जवाब। कांग्रेस द्वारा शराब नीति और कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पलटवार किया है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस ने चहेतों को लाभ देने के लिए शराब नीति बनाई थी, जबकि बीजेपी सरकार इससे आय बढ़ाएगी। आज जो विपक्ष जो है वो हम पर आरोप लगा रहा है, जब उनकी सरकार थी जो शराब नीति थी उसको इस ढंग से बनाया गया था कि अपने चहेतों को जो है उसमें जो था वो फायदा दिया गया था एक कॉरपोरेशन को बना करके, और उसके कारण एक वर्ष के अंदर जो है वो 300 करोड़ से ज़्यादा घाटा जो था वो प्रदेश को जो था वो सहना पड़ा था। अब जबकि हम पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी जो है वो सरकार जो है वो इसको तर्क संगत जो है उस नीति को बनाने जा रही है, जिससे जो अवैध कारोबार है प्रदेश के अंदर शराब का वो भी समाप्त हो जाए और साथ में जो है वो उसके आय भी जो है वो प्रदेश की जो है वो बढ़े। कंवर ने कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस को अपने काम से काम रखने की नसीहत दी। ये कांग्रेस की चिंता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है। सरकार के जो मंत्री थे वो लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा में जो है वो कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई, और आज जो मंत्री बनाना जो है वो मुख्यमंत्री जी के एक अधिकार क्षेत्र का है, उचित समय पर जो है वो उचित फैसला जो है वो माननीय मुख्यमंत्री करेंगे।
धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट में जुड़े देश दुनिया के पर्यटन कारोबारी। होटल एसोसिएशन धर्मशाला व पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट का शुभारंभ किया। पर्यटन क्षेत्र के अपनी तरह के इस पहले एवं बड़े मेगा इवेंट में देश दुनिया की ट्रेवल कंपनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। होटलियर्स एंड ट्रेवल कंपनी के प्रतिनिधियों को धर्मशाला के बेहतरीन पर्यटन स्थलों से इन्हें रूबरू करवाएंगे। क्रशर मालिक सरकार से आर पार की लड़ाई को तैयार। कंडवाल के एक निजी होटल में जिला कांगड़ा के सभी क्रशर मालिकों ने बैठक का आयोजन कर सरकार की नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध किया। जिला कांगड़ा के सभी क्रशर मालिकों ने सरकार को चेताया कि अगर तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस ना लिया गया तो सभी क्रशर मालिक सड़क पर उतर आएंगे व चक्का जाम करेंगे। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर कार्रवाई ना करने पर रोष। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन अभिषेक राणा ने भड़काऊ भाषण देने वाले सांसदों पर कार्रवाई ना होने का सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर संज्ञान लेना चाह रहा है तो दबाव की राजनीति बनाकर जजों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस जवाब देगी। कुछ लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिए उसका नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ पर आज जो दंगे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है उनको रोकने के अंदर, और एक बुरा सांप्रदायिक माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैलाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में आपने देखा कि वहाँ पर हाईकोर्ट के जज ने किस प्रकार से वहाँ की पुलिस को लताड़ लगाई और कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए। चंद घंटों के बाद उन्हीं जज का ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कर रही है या अन्य दल कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार जिन लोगों ने दंगे भड़काने में सबसे अहम योगदान दिया है। जब सांसद महोदय ने बयान दिया तो उसके कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद गोली चली, एक बार नहीं दो बार चली, उसके बाद लगातार जो माहौल बिगड़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, और जब चुनाव के वहाँ पर नतीजे आए तो ये अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। तो जो इन्होंने बयान दिए उसके बाद ये हालात आज पैदा हो गए हैं। बाद में खुद जो गृह मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने कहा इस टिप्पणी के ऊपर कि जो ये ऐसे बयानबाजी हुई दिल्ली के अंदर उससे निश्चित तौर पे उनको नुकसान पहुंचा। तब तो सांसद महोदय और वित्त राज्य मंत्री जो हैं वो नो कमेंट्स कहकर आगे चले गए। लेकिन आज ज़रूरत ये है कि सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संज्ञान ले, और अगर कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेना चाह रहा है तो एक दबाव की राजनीति बनाकर उन्हीं जजेस को जो है वो तबादला उनका कर दिया जा रहा है। ये लोग बड़े बारीकी सी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा। चुबाड़ी में सुबह सवेरे हुए हादसे, दो लोग घायल। पुलिस थाना चुबाड़ी के तहत रविवार को सुबह हुए दो हादसों में दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सुबह तड़के करीब 4:30 बजे हुए एक कार हादसे में एक चालक घायल हो गया। पहला हादसा केलन गांव के समीप हुआ जबकि दूसरा तोरनो के समीप हुआ। 70 वर्ष से लोगों को पगड़ी बांध रहे हैं भगत राम। बलह उपमंडल के दरवाथु गांव निवासी 90 वर्षीय भगत राम पिछले 70 साल से लोगों को पगड़ी बांध रहे हैं। उन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में अपने बुजुर्गों से इस कला को सीखा और इसमें महारत हासिल की। भगत राम बताते हैं कि आज पगड़ी की जगह रेडीमेड टोपियों ने ले ली है, लेकिन फिर भी पगड़ी बांधने का रिवाज बरकरार है। समेला में तेज रफ्तार ट्रक रेलवे पुल से टकराया। शिमला मटौर NH पर कांगड़ा के निकट समेला में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक रेलवे पुल से टकरा गया। हादसे में ट्रक सड़क पर टेढ़ा हो गया और उसका ऊपरी हिस्सा लोहे के पुल के साथ फंस गया। इस दौरान कांगड़ा से शिमला, देहरा व ऊना की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में जाम खुलवाया गया।